वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, हम उम्र वालों को प्यार। और इसी प्यार के साथ में जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यहाँ मेरा दूसरा दिन है और सुबह से कोई क्लिप नहीं ली हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। बेटी को वहाँ मेरे घर पे कंप्यूटर क्लास में कुछ काम था तो वो लेकर के चली गई थी, और एक फ़ोन मेरा हस्बैंड लेकर के चले गए थे। तो कुछ भी सूट नहीं की सुबह का, क्या की क्या नहीं, यहाँ पे कैसे। पर अभी दोपहर में हस्बैंड खाने आए हैं, 2 बज रहा है, 2:15। तो अभी खाने आए हैं तो वही याद दिलाया कि ऐसे ब्लॉगिंग तेरा रुक जाएगा, तू स्टार्ट कर दे। तो मैं स्टार्ट कर दी और आज मैं बनाई यहाँ पे शॉर्टकट वाला काम, खिचड़ी। आज शनिवार है और हमारे बिहार में शनिवार के दिन खिचड़ी या सत्तू वाला आइटम खाया जाता है। तो खिचड़ी बना दी मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड, और वहाँ पे बड़ी बेटी और मेरी सासू माँ खुद बना रहे हैं और खा रहे हैं। सासू माँ तो नहीं बना पाती हैं, मेरी बेटी बना रही है और खिला रही है। तो अभी हस्बैंड चले जाएंगे और मेरा वीडियो अभी भी रुक जाएगा, तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ का ले पाऊँगी वहाँ वहाँ कर ले करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी छोटी दीदी का रूम है, इसमें बेटा रहते हैं उनका। और जस्ट फ्रंट में गेट के पास में शोकेस है, और आपको थोड़ा सा कुछ दिखा रही हूँ। और ये देखिए, और ये है बड़ा सा बरामदा पूरा लास्ट। ये देखिए गाड़ी वाड़ी रखा हुआ है क्योंकि गेट के पास में गाड़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गेट से हटा करके बरामदा में रखा हुआ है। और इस साइड में भी एक खिड़की है, बहुत खुला खुला। और मुझे ऐसा घर बहुत पसंद है जो खुला हो, लाइट का ज़रूरत ना पड़े। बस जैसे भी दरवाज़ा खोल दो, खिड़की खोल दो, रोशनी आ रहा है, हवा आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा जगह मिल गया, और मेरा मायके में भी है, खुला खुला है, अगर खिड़की खोल दो तो बहुत अच्छा रोशनी आता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। सासू माँ का थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कैसे खा रही हैं क्या कर रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको खिलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं वो नहीं ऐसे करती हैं। तो देखिए जैसे भी खिला रही है बेटी और खिला रही है, और क्या। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिए आप लोग, यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी तो चले जाएंगे, नहीं दिखा पाऊंगी, अभी धूप भी है और यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, क्यों किया जाता है, तो नहीं ले पाऊंगी ज़्यादा। खैर जो भी हो दिखाऊंगी जरूर क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो चले भी, जस्ट रोटी बना के आई हूँ फ्रेंड्स, और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की क्योंकि सब्जी था मेरा सुबह का, तो हम दोनों का हो गया। और बेटी, छोटी वाली बेटी नहीं आई, वो घर पे रह गई क्योंकि उसको नींद नहीं आया था, रात को यहाँ लाइन चला गया था तो दिक्कत हुआ, और लाइन नारायण तो गर्मी में दिक्कत होगा ही, तो बोली नहीं रहेंगे तो वो चली गई, पर हम दोनों हैं। तो यही है अपडेट मेरा, टीवी चल रहा है, टीवी पे नजर है मेरा। तो आप लोग वेलकम टू माय चैनल, हैप्पी राखी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए रूम वूम बंद करके हम अभी घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे वहाँ क्या बनाएंगे क्या खाएंगे राखी के दिन, इसलिए जा रही हूँ वहाँ बना करके खिला पिला करके रात को आऊँगी। तो चलिए चलते हैं अपने घर। ये देखिए चल रही हूँ, हेलमेट पहन, ताला बचा भी है। मैं आ गई हूँ अपने घर पे, चाय बना करके पी रही हूँ, और अभी दूध आया, दूध बैठा दी। देखूँ सब्जी पूड़ी और खीर करूँगी जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज राखी है तो स्पेशल तो होना चाहिए।
और चाय पीने के बाद जस्ट किचन में आ गई तुरंत खाना बनाने, क्योंकि सासू माँ का टाइम हो जाएगा। और ये पोस्तो और काजू है, मैं इसको पानी में भिगो के रख दी हूँ फूलने के लिए। और एक कढ़ाई में जीरा, गरम मसाला, तेजपत्ता और प्याज और टमाटर, ये सब मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का फ्राई करूँगी, जलने नहीं दूँगी। उसके बाद ये देखिए हो रहा है, और एक साइड में मेरा दूध गर्म हो रहा है, खोल रहा है। और ये पनीर, पनीर मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पनीर फ्राई सब लोग पसंद करता है। और ये रेडीमेड खीर का एक डब्बा में मिलता है, जो मैं लाई हूँ। तो दूध जैसे खोलता है उसके बाद से इसको डाल दिया जाता है, और ये 15 मिनट में हो जाता है, चुटकी बजाते 15 मिनट में हो जाता है खीर। चीनी डाली ऊपर से हो जाएगा। और ये सब्जी बनाने लगी, जो मैं पीसी थी मसाले, उसे उसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये सभी मसाले डाल करके मैं फ्राई कर दी, अच्छी तरह से मसाले को भून ली हूँ। और भूनने के बाद ये देखिए मेरा खीर हो गया, इसमें चीनी लास्ट में डाली हूँ, और एक साइड सब्जी का मसाला भून रही हूँ अभी तक। और ये रहा आपका शाही पनीर का मसाला, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है। और ये है चिकन मसाला, जो मैं यूज करती हूँ। किसी चीज़ का आदत हो जाने से हम उसी को यूज करने लगते हैं, वही अच्छा लगता है। और नमक डाल दी और अच्छी तरह से फिर से मसाले को भूनूंगी और पानी डाल दी। अब अच्छी तरह से मसाले जब खोल गया है, पक गया है, तब इसमें मैं पनीर डाल दी और पोस्तो और जो काजू मैं पीस के रखी थी इसको भी डाल दूंगी। इसको इसलिए डाला जाता है कि ये थिक करता है और टेस्ट भी कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो इसको इसलिए डालेंगे और ग्रेवी को थिक करेगा। और इसको अच्छी तरह से पका लूंगी। बस सब्जी मेरा रेडी हो चुका है और सासू माँ पीछे से आवाज़ दे रही थी खाने के लिए। और ये देखिए पूड़ी छान रही हूँ, तो खीर पूड़ी सब्जी लगभग मेरा रेडी है, तो अब सिर्फ सासू माँ को देना है। बाकी सभी चीज़ें रेडी हो गई हैं, क्योंकि सबसे पहले सासू माँ को निकाली। ये देखिए खीर पूड़ी और सब्जी। आइए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए भी परोस दी खाना। मैं आ गई दीदी के यहाँ, रात हो गया और वहाँ का कुछ भी नहीं ले पाई, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा गंदा करके रखे थे घर की, सफाई में लग गई। उसके बाद से मेरा सर में दर्द हो गया और पूरे दिन सो गई वहाँ पे जा करके, दवा खा करके। तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर यहाँ तो आना था। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आ चुके हैं रात का सोने के लिए। देखिए आपको, अब सोने जाऊंगी, रात हो गया, हमारा खाना पीना हो चुका है, क्योंकि वहाँ से बहुत जल्द निकले थे हम लोग, खाना नहीं खाए थे। तो खाना वाना यहाँ हो चुका है हमारा, नींद आ रहा है। तो आप लोगों से लेती हूँ विदा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलती हूँ, गुड नाइट, नई सुबह के साथ, नई वीडियो के साथ में आप लोगों का स्वागत करूँगी। तो बाय।